दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। इतना समझ लो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसे देखने के बाद आपको पढ़ाई का कीड़ा काटने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, जो अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे, जिनके पास अलग अलग विषयों में 32 डिग्रियां थी, जिन्हें लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन क्या आपने कभी डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के बारे में सुना है, जिन्हें इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है? क्या आपने कभी प्रोफेसर वीएन प्रतिभन जी के बारे में सुना है, जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 145 एकेडमिक डिग्रीज हैं? अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि किताबों से जितना प्यार इन लोगों ने किया है उसका 10% भी अगर आप लोगों ने कर लिया तो समझना आपका बेड़ा पार है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी से, जिनका जन्म स्वतंत्रता के 7 साल बाद 14 सितंबर 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1972 से 1990 के बीच मात्र 18 सालों में इन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए, 20 से ज्यादा डिग्री हासिल की और 28 गोल्ड मेडल जीते। ये बात हो रही है उस वक्त की जब इंडिया में ना कोई ऑनलाइन क्लासेज चलती थी और ना ही किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गूगल पर मौजूद था, क्योंकि उस वक्त तो गूगल खुद पैदा नहीं हुआ था। और उस वक्त डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी ने 10 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अब इसे किताबों से मोहब्बत कहो, पढ़ाई का कीड़ा कहो या पढ़ने का जुनून, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए कि सफलता आपको घुटने टेक कर प्रपोज करे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी यहीं पर नहीं रुके। 1978 में इन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी, जिसमें उन्हें आईपीएस की पोस्ट मिली, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उन्हें आईएएस की पोस्ट चाहिए थी। 1980 में इन्होंने फिर से सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी और इस बार इन्हें आईएएस की पोस्ट मिल गई, लेकिन उन्होंने 4 महीने बाद ही रिजाइन दे दिया और चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे कहते हैं खुद के ऊपर पूरा विश्वास होना। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था, इसलिए रिजाइन देकर उन्होंने उसी साल एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत गए। उन्होंने महज 25 साल की उम्र में एमएलए बनकर सबसे कम उम्र में एमएलए बनने का रिकॉर्ड बना दिया और आगे चलकर वही डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी गवर्नमेंट मिनिस्टर बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि उनके पास 52,000 से भी ज्यादा किताबों की पर्सनल लाइब्रेरी थी। उन्हें गीता, उपनिषद, वेद पुराण जैसे ग्रंथों का भी गहरा ज्ञान था। अब इतना जानने के बाद ये मत समझने लग जाना कि उन्हें सिर्फ किताबों से ही प्यार था, क्योंकि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी मल्टी टैलेंटेड थे। वो एक पेंटर और प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ साथ एक अच्छे स्टेज एक्टर भी थे, लेकिन अफसोस मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी आज हमारे बीच नहीं है। 2004 में नागपुर में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ऐसे ही एक और इंसान है जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा डिग्री धारक कहा जाता है, वो है चेन्नई के प्रोफेसर वीएन प्रतिभन जी, जिनके पास 145 एकेडमिक डिग्रीज हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपनी सैलरी का 90% हिस्सा अपनी पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। 145 डिग्री होने के बाद भी वो कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम है, जब तक जिंदा हूँ एग्जाम देता रहूंगा और डिग्रीज लेने का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों इसे कहते हैं किताबों से प्यार। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी इनकी तरह डिग्रियाँ लेते रहो, लेकिन इनकी तरह किताबों से प्यार जरूर करो। हो सकता है आपको किताबें बोरिंग लगती हो, लेकिन जिस दिन आपको किताबों से प्यार हो गया ना, वो आपको बोर करना बंद कर देंगी। ये वो ज्ञान का भंडार है जो किताबों के रूप में आपको हलवे की तरह परोसा गया है। इसे जितना अपने अंदर डाल सकते हो डाल लो, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम।